Respected my seniors, my colleagues and other staff members और मेरे प्यारे फार्मर भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल ब्रायलर ब्रीडर न्यूट्रिशन, जिसकी अवेयरनेस आप सभी लोगों को होना बहुत जरूरी है। इसमें जो हमने लंबे समय में सीखा है उसका सारा एक्सपीरियंस है, और आप लोग इसको सारा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसमें 7 क्रिटिकल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं डाइट में, एनर्जी, प्रोटीन, लाइसिन, मिथियोनिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम। जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है उसमें हम लेते हैं एनर्जी, प्रोटीन, लाइसिन एंड मिथियोनिन एंड कैल्शियम फॉस्फोरस। अब सबसे बड़ा रोल है वो एनर्जी का रोल है। एनर्जी है दैट इज द फ्लेम ऑफ लाइफ, और इस एनर्जी की हमें कहाँ कहाँ जरूरत है। बर्ड को जरूरत है ग्रोथ के लिए, उसके बॉडी टिश्यूज के लिए, मसल्स फॉर्मेशन के लिए, फैट फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एग्स, और जो फिजिकल एक्टिविटीज है जैसे फीड का खाना है, पानी का पीना है, दाएं बाएं थोड़े मोमेंट्स हैं, और उसके बाद जो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी है, जो बॉडी टेम्परेचर है या बॉडी है सारा उसको मेंटेन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ये 4 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ग्रोथ, एग प्रोडक्शन, एक्टिविटीज और टेम्परेचर। अब सोर्सेज जो ऑफ एनर्जी, देखो हमारे पास एनर्जी का बेसिक सोर्सेज है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट्स, और तीसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एनर्जी का सोर्स नहीं है, लेकिन प्रोटीन भी एनर्जी रिलीज करता है जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बॉडी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से जो हीट इंक्रीमेंट होता है बॉडी में वो 15% होता है, फैट से 10% होता है और प्रोटीन से 30% होता है। और कोई भी बैलेंस फीड फार्मूलेशन से जिसमें प्रोटीन 20%, फैट 5% और कार्बोहाइड्रेट्स 65% हो, उसमें हीट इंक्रीमेंट 18% के करीब होता है। अब ये जो एनर्जी है ये बॉडी में कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, जो हम फीड से, जो बर्ड्स एनर्जी लेता है, फीड लेता है, वो कुछ चली जाती है फिशेज में, कुछ डाइजेस्ट होती है, तो फीकल एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी, और उसके बाद डाइजेस्टिबल एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड इन यूरिनरी एनर्जी एंड मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है उसमें 18% आपका हीट इंक्रीमेंट में चला जाता है, और बाकी एनर्जी को कहते हैं नेट एनर्जी। और ये जो नेट एनर्जी है ये मेंटेनेंस के काम आती है। मेंटेनेंस में बर्ड का बेसल मेटाबॉलिज्म, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, हीट टू कीप बॉडी वार्म एंड एनर्जी टू कीप बॉडी कूल। और ये नेट एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ में काम आती है, प्रोडक्शन में, ग्रोथ में, फैट फॉर्मेशन में, एग फॉर्मेशन में, फेदर्स में। अब देखो जो एनर्जी बर्ड ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एग प्रोडक्शन और एक्टिविटीज, 4 जरूरत है, इनकी जरूरत पूरी करने के बाद जो एनर्जी फालतू होती है वो एनर्जी फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो बॉडी के अंदर फैट मिलता है बर्ड्स में, उसका रीजन ये कि उसने एनर्जी जरूरत से ज्यादा ली हुई है। कुछ फैट डिजायरेबल है, लेकिन एक्सेसिव फैट फॉर्मेशन दैट इज नॉट डिजायरेबल। अब इस बात को समझो कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है। द मोस्ट एफिशियंट न्यूट्रिशन ऑफ चिकन इज वेन द डाइट कंटेन्स द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी टू द अदर न्यूट्रिएंट्स। अब इस बात को हम ऐसे समझे कि जैसे मान लो 100 ग्राम फीड दे रहे हैं, तो 100 ग्राम के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, एमिनो एसिड रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके विटामिन्स रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए ताकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ और एग प्रोडक्शन हो सके। ये बैलेंस न्यूट्रिशन है। अब फैक्टर्स डिसाइडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बर्ड की एनर्जी
रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हैं। एक तो बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी वेट कैसा है, उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, वो डीप लीटर में है, केज में है, और एनवायरमेंट टेम्परेचर कैसा है, जो उसके चारों तरफ माइक्रो एनवायरमेंट एम्बियंट टेम्परेचर कैसा है, उसका ग्रोथ पर डे कैसा है और उसका एग प्रोडक्शन कैसा है। अब इसमें बात को समझने की जरूरत है, फीड कंज्यूम्ड बाय ए बर्ड इन ए पार्टिकुलर एनवायरमेंट शुड बी एडिक्वेट फॉर ऑप्टिमम डेली ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। जो उसका डेली ऑप्टिमम ग्रोथ और परफॉर्मेंस है उसको पूरा करने के लिए जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है उस पे उसका एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के साले उसकी जरूरत के हिसाब से पूरे होने चाहिए ताकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ हो और प्रॉपर बर्ड में प्रोडक्शन हो। अब इसमें देखिए आप, जो एनर्जी है वो बर्ड्स के, जो बर्ड्स के चारों तरफ एनवायरमेंट है, शेड का एनवायरमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एनर्जी नीड्स कैसे हैं। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे हमारा बर्ड 2 सप्ताह का है और उसका वजन है मान लो 77 ग्राम, तो उसको 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनर्जी की जो जरूरत है वो है 94 किलो कैलोरी पर बर्ड पर डे। अब यही बर्ड हमारा हो गया 8 वीक का और बॉडी, जो बॉडी वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg। अगर ये टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है इसपे वेट है, इसपे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 172 किलो कैलोरी पर बर्ड पर डे। अब यही अगर ये टेम्परेचर चला जाता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसकी एनर्जी की नीड्स 16 किलो कैलोरी बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। और अगर ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एनर्जी की जो उसकी नीड्स है वो 140 किलो कैलोरी पर बर्ड पर डे हो जाती है। तो हमें एनर्जी का भी ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, कैसा क्लाइमेट है, कैसी कंडीशंस है। तो इस बात को इसी तरह से, जैसे 20 वीक का फ्लॉक है तो 20 वीक के फ्लॉक में आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्ड है उसकी जरूरत है 224 किलो कैलोरी पर बर्ड पर डे, और अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसके एनर्जी लेवल उसका 26 किलो कैलोरी बढ़ जाएगा। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो आप ये देखिए उसका एनर्जी लेवल्स 53 किलो कैलोरी कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 171 अगेंस्ट 224। अब नेक्स्ट है, ये सिचुएशन है जब मुर्गी अंडे पे होती है। तो अब आप ये देखिए, जैसे 30 वीक का फ्लॉक है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, उसका एग मास कितना है। तो 30 डिग्री पे 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट से 413 किलो कैलोरी पर बर्ड पर डे, और वही टेम्परेचर अगर 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 62 किलो कैलोरी बढ़ जाएगी। और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो एनर्जी उसकी 413 थी उसके बजाय उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रह जाएगी 352, उसमें 61 किलो कैलोरी एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमें इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए ये जरूरी है कि हमारे बर्ड्स में ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो, ऑप्टिमम उसकी ग्रोथ हो, उसके लिए जरूरी है कि हम उसके उसका जो टेम्परेचर है शेड का उसको हम 22-24 डिग्री के आजू बाजू रखें। अब देखो हीट प्रोडक्शन बाय बर्ड्स, ये एक अलग सा टॉपिक है, जैसे आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसका कोरिलेशन है पंखों की हवा की स्पीड से। अगर कोई शेड है 400 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा और उसमें 21,000 ब्रायलर है और जिसका वजन है 1810 ग्राम के करीब, तो इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट की हुई है। इसमें हीट प्रोड्यूस होगा 12,02,000
250 BTU, BTU है ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। हीट को जो हीट इस तरह प्रोड्यूस हो रही है उसको हम उसके लिए यूनिट यूज करते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 3.966 BTU 1 किलो कैलोरी के बराबर होती है। तो देखो 400 फुट चौड़ा, 400 फुट लंबा शेड है, 40 फुट चौड़ा उसका एरिया है और उसमें 21,000 ब्रायलर है और 1810 ग्राम उसका एवरेज बॉडी वेट है। तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके चारों तरफ वो होगी 30,139 किलो कैलोरी। और ये जो हीट है इसको बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये हीट बाहर नहीं निकलेगी तो ये बर्ड में वहां एनवायरमेंट टेम्परेचर है, जो माइक्रो एनवायरमेंट है, एम्बियंट टेम्परेचर है, वो सारा का सारा उसका इंक्रीज हो जाएगा और बर्ड के लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब डेली प्रोटीन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रीडर हेंस एट 32 एंड 55 वीक्स ऑफ एज। 32 वीक्स पे अगर ग्रोथ के लिए उसको एनर्जी चाहिए वो चाहिए 40 किलो कैलोरी, एग प्रोडक्शन के लिए चाहिए 80 किलो कैलोरी, मेंटेनेंस के लिए 300 किलो कैलोरी, एक्टिविटी के लिए 50 किलो कैलोरी। अब एक्टिविटी डिपेंड करता है कि वो केज में है या डीप लीटर में है। इसी तरह से 32 वीक्स पे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो ग्रोथ के लिए है वो 1 ग्राम है, एग प्रोडक्शन के लिए 10 ग्राम है, मेंटेनेंस के लिए 10 ग्राम है और उसको एक्टिविटी के लिए कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत है। अब अगर यही बर्ड 55 वीक्स का है तो ग्रोथ के लिए उसके जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 5 किलो कैलोरी और एग प्रोडक्शन के लिए चाहिए उसको 55 किलो कैलोरी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका एग प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसका एग मास भी कम हो जाता है। अब मेंटेनेंस के लिए उसको एनर्जी चाहिए 320, क्योंकि उसका बॉडी वेट बढ़ जाता है, और उसको एक्टिविटी के लिए चाहिए 30 किलो कैलोरी, टोटल उसको एनर्जी चाहिए 410 किलो कैलोरी। और अगर हम उसको प्रोटीन को देखें 55 वीक पे प्रोटीन ग्रोथ के लिए कुछ नहीं चाहिए, एग प्रोडक्शन के लिए 8 ग्राम चाहिए, मेंटेनेंस के लिए 11 ग्राम चाहिए और एक्टिविटी के लिए उसके कोई प्रोटीन नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर बर्ड 32 वीक का है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 470 किलो कैलोरी और प्रोटीन उसको टोटल चाहिए 21 ग्राम। और 55 वीक का है तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है, वो हो जाती है 410 किलो कैलोरी और उसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 19 ग्राम। अब नेक्स्ट है, अगर देखो इस बात को ये सारे के सारे नॉर्थ जोन के लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि हमारी पीक प्रोडक्शन नहीं आती या जो लोग कहते हैं कि हमारी पीक लंबे समय तक नहीं चलती, उनको इस टेबल को समझना जरूरी है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो आपको आपकी प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी और प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो इसमें यह है, अगर हम बर्ड्स को जैसे 8 वीक का बर्ड है अगर उसको हम 5% एनर्जी ज्यादा देते हैं, सॉरी 5% एक्स्ट्रा फीड देते हैं या 10% एक्स्ट्रा फीड देते हैं या 20% एक्स्ट्रा फीड देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसमें ये देखा गया जो बर्ड 8 वीक का है और जिसको हमने कंट्रोल फीड पे रखा जो स्टैंडर्ड उसका, तो उसमें जो बॉडी वेट था वो 1 किलो 5 ग्राम था। 5% फीड हमने दी तो उसका 45 ग्राम एक्स्ट्रा वेट हुआ, 1,050 ग्राम हुआ। 10% पे उसका जो वजन है वो 195 ग्राम बढ़ा, 1,100 ग्राम के करीब गया। 20% एक्स्ट्रा फीड देने से 1,170 ग्राम उसका बॉडी वेट हुआ। अब यही बर्ड है आगे चल के अगर 20 वीक का है तो कंट्रोल बॉडी वेट है 2,340 ग्राम, 5% एक्स्ट्रा फीड पे है ये 2,400 ग्राम और 10% पे है 2,440 ग्राम और 20% पे है ये 2,620 ग्राम। अब इनका मैच्योरिटी लेवल देखो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं तो उन वो ये कहते हैं या जो सुपरवाइजर्स हैं, लेबर्स हैं, जैसे बात करते हैं, वो क्या करते हैं 16 वीक के बाद जो बर्ड हायर बॉडी वेट्स हैं उनको फीड कम देते हैं। मैं पूछता हूं भी क्यों देते हैं कम, क्यों दे रहे हो, तो वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब अगर हम इसको फीड देंगे तो इसका वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इस बात को यहां से क्लैरिफाई कीजिए, अगर बॉडी वेट हायर साइड पे है तो उसमें अंडा जल्दी आ जाएगा, उसका जो
अंडा आने का समय है उसका जल्दी रहेगा, उसका पीक, इसका मैं कंपैरिजन बताता हूं, उसकी जो मैच्योरिटी होगी, कंट्रोल की मैच्योरिटी होगी 161 दिन पे। 5% एक्स्ट्रा फीड दिया है तो बर्ड मैच्योर होगा 150 दिन पे, और अगर 10% एक्स्ट्रा फीड दिया है 147 दिन पे, और 20% एक्स्ट्रा फीड दिया है तो वो मैच्योर हो जाएगा 140 दिन पे, मतलब 20 वीक पे उसकी जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी। और उसका जो पीक प्रोडक्शन है कंट्रोल वाले का 205 दिन रहेगा, 5% पे 196 दिन रहेगा, 10% एक्स्ट्रा फीड है तो उसका पीक प्रोडक्शन 189 डेज पे रहेगा। और जिस बर्ड्स का 20% एक्स्ट्रा फीड है और जिसका बॉडी वेट 2620 ग्राम है उसका मैच्योरिटी एज 140 रहेगा और पीक प्रोडक्शन उसका 179 डेज पे होगा। अब आप ये देखिए, वो बर्ड आपका 179 डेज पे है इसलिए, और जो उसके नेक्स्ट जो है जो पीक कितने दिन रहेगा, जो कंट्रोल वाले का है उसका पीक 35 डेज रहेगा, 5% वाले का सिर्फ 14 दिन रहेगा, 10% एक्स्ट्रा फीड वाले का 10 दिन रहेगा, और 20% एक्स्ट्रा फीड देने वाले बर्ड का पीक है वो सारा सिर्फ 7 दिन रहेगा। अब उसके बाद अंडे का वजन 21 वीक पे जो बर्ड ज्यादा वजन का था 2620 ग्राम का था वही बर्ड अंडे पे आ रहा है और उसका अंडे का वजन होगा 46.9 ग्राम। 22 वीक पे जिसपे हमने 5% एक्स्ट्रा फीड दिया उसका अंडे का वजन 42 ग्राम होगा, 10% वाले का भी 42 पॉइंट कुछ होगा, और उसका जो हायर बॉडी वेट्स थे जिसको 20 ग्राम एक्स्ट्रा फीड दिया था उसका अंडे का वजन 51.4 ग्राम होगा। अब इसको हम देखते हैं फिर 24 वीक पे क्या सिचुएशन होगी। 24 वीक पे जो बर्ड कंट्रोल रखे थे, स्टैंडर्ड फीड दिया था, स्टैंडर्ड एनर्जी दिया था, प्रोटीन दिया था, तो वो बर्ड आपका 24 वीक पे प्रोडक्शन पे स्टार्ट हो रहा है और उसका जो अंडे का वजन है वो 46.9 ग्राम है, 5% एक्स्ट्रा फीड वाले का 51.9 ग्राम है, और 10% एक्स्ट्रा फीड जिसको दिया उसका वजन 50 ग्राम है उसका। अब आप पूछ सकते हो भाई क्यों इसका ऐसे, ये क्या हुआ वैसे, हेलो। और उसके बाद जो 20% एक्स्ट्रा फीड है उसका जो वजन है अंडे का 52.6 ग्राम है। अब यही बर्ड है 30 वीक पे आ गया, 30 वीक पे कंट्रोल वाले का अंडे का वजन है 60 ग्राम, 5% वाले का 59.2 ग्राम, और 10% वाले का 59.7 ग्राम, और 20% वाले का 57.6 ग्राम। तो आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझनी है, इसके लिए ये जरूरी है कि आपका बर्ड यूनिफॉर्म हो, आप बर्ड को फीड स्टैंडर्ड के हिसाब से दें, बर्ड की स्ट्रक्चरल और बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो एनर्जी नीड्स फॉर एक्सीलरेटेड वेट गेन, एक्सीलरेटेड वेट गेन होता है 16 वीक से 23 वीक तक, तो जो 16 वीक पे है या 18 वीक पे है इसमें आपको थोड़ा सा बात समझना चाहिए। जो लोग मोस्टली गलतियां करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे 16 वीक पे 17 18 पे जैसे उन्होंने देखा कुछ बर्ड ओवरवेट है तो वो ओवरवेट बर्ड को क्या करते हैं, फीड कम देना शुरू कर देते हैं। जब फीड कम दोगे तो उसको एनर्जी कम मिलेगी, जबकि सच्चाई ये है कि ओवरवेट बर्ड को एनर्जी की जरूरत ज्यादा है। अगर आइडल वेट स्टैंडर्ड वेट 240 ग्राम है, सॉरी अगर स्टैंडर्ड वेट 18 वीक पे मान लो आपका 1820 ग्राम है और ओवरवेट बर्ड है उसका 200-300 ग्राम ज्यादा है तो उसका जो एनर्जी लेवल है उससे ज्यादा जाएगा। आइडल वेट पे जा रही है उसकी एनर्जी 240 किलो कैलोरी पर डे, ओवरवेट पे 250 और अंडरवेट पे 230। लेकिन अगर आप ये 26 वीक पे देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है, 26 वीक पे अंडरवेट बर्ड को जा रही है 430, स्टैंडर्ड वेट को भी 430 और ओवरवेट को 470। ओवरवेट बर्ड्स को, और इसका एक जनरल सा फार्मूला है, जैसे बर्ड मान लो आपका 26 वीक का है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 260 किलो कैलोरी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लेकिन अगर वही बर्ड आपका 3200 ग्राम का है तो उसको 320 किलो कैलोरी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो बॉडी वेट बढ़ना प्रोडक्शन के लिए डिजायरेबल नहीं है, तो इसलिए ये जरूरी है
कि हमारे बर्ड की यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल एंड बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी 85% होना चाहिए। अगर आपका 85% से कम है तो फिर आप 20 वीक के ऊपर तो आपको पीक नहीं मिलेगा, अगर पीक मिला तो वो लंबा नहीं चलेगा। तो इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इफेक्ट ऑफ एनर्जी अलॉटमेंट ऑन ब्रीडर परफॉर्मेंस 21 से 61 वीक, अगर हम उसको पीक एनर्जी कब देते हैं, 29 से 34 वीक पे। इस बात को समझो, 29 वीक से 34 वीक पे अगर हम एनर्जी उसको 450 किलो कैलोरी देते हैं तो आप इसमें देखिए, उसमें जो अंडा मिलता है एक मुर्गी से मिलता है 165, और अगर एनर्जी 424 किलो कैलोरी जाते हैं देते हैं तो वो जो अंडा मिलता है एक मुर्गी से 149, 16 अंडों का फर्क है। कितने अंडों का फर्क है? 16 अंडों का। और अगर एनर्जी देते हैं 396 किलो कैलोरी, तो इसके अंदर जो फर्क पड़ता है 24 अंडों का फर्क पड़ता है, उसमें सिर्फ अंडा आता है 141 अंडा एक मुर्गी से। उसके बाद आप लीजिए, अगर एनर्जी हायर लेवल पे मींस जो उसकी जरूरत है वो 450 कैलोरी है, तो उसकी फर्टिलिटी है बर्ड की 92.6, 424 किलो कैलोरी पे उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होके होती है 89.8, और 396 पे उसकी फर्टिलिटी 87.2। उसके बाद अगर चिक्स देखते हैं हम, कितना चिक्स मिलेगा एक मुर्गी से 61 वीक के लिए है ये, तो चिक्स पर हैन 450 किलो कैलोरी पे मिलेगा 123, 424 पे मिलेगा 116, और 396 किलो कैलोरी पे मिलेगा 102। उसके बाद अंडे का वजन है, 450 किलो कैलोरी पे अंडे का वजन आ रहा है 66.1, 424 पे आ रहा है 66.5, और 396 किलो कैलोरी पे आ रहा है 66.7। इसका रीजन क्या है कि इसका जो एग में जो अंडा है वो मुर्गी का कम हो जाता है, अगर कम होगा तो जो अंडा है उसका वजन बढ़ जाएगा। अब सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, अगर बर्ड्स में एनर्जी की कमी होगी तो क्या होगा, उसमें एक तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, उस बर्ड की कभी भी पीक नहीं आएगी, पीक और लंबी भी नहीं चलेगी। तो नो पीक एंड परसिस्टेंट प्रोडक्शन, बर्ड का अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है तो बर्ड का बॉडी वेट भी लूज हो जाता है, और उसका जो बॉडी वेट गेन है वीकली वो भी कम होगा, और बर्ड्स में फैट डिपोजिशन वो भी कम मिलेगा। जब भी बर्ड भूखा होगा तो उसमें जो एनर्जी एग्जॉस्ट होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले एनर्जी जाती है ग्लाइकोजन, उसका बॉडी में जो है वो एग्जॉस्ट होता है, फिर फैट एग्जॉस्ट होता है, और उसके बाद प्रोटीन। जब प्रोटीन भी एग्जॉस्ट होता है तो आप देखते हैं कि बर्ड बिल्कुल सूख जाता है और उसके शरीर पे कोई भी मसल का जो रेशियो है वो बहुत ही कम रह जाता है। अब सिम्टम्स ऑफ एक्सेस ऑफ एनर्जी, अगर बर्ड्स जरूरत से ज्यादा एनर्जी ले रहा है, जो उसकी जरूरत है मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए और एक्टिविटी के लिए, और उसकी एनर्जी अगर उनसे ज्यादा है तो वो सारी की सारी एनर्जी फैट में फैट में स्टोर हो जाती है बॉडी में, और उससे बॉडी वेट जो डिक्रीज ग्रोथ रेट रहता है, और प्रोटीन्स एंड विटामिन्स डेफिशिएंसी शरीर में कम हो जाती है, और अंडे की क्वालिटी और प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अब एनर्जी का ब्रेकडाउन है, ये भी आपको अच्छे से समझना है कि शरीर के अंदर जो बर्ड की है मेंटेनेंस है उसको मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कितनी चाहिए, तो उसका एक फार्मूला है एनर्जी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ये इसके बराबर होता है ब्रीडर में 98.3 इनटू बॉडी वेट रेज टू पावर 0.75। तो हम मानते हैं कि अगर 86% उसका पीक प्रोडक्शन है और बर्ड का बॉडी वेट 3.6 केजी है और एज मान लो 32 वीक्स है, तो उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी फॉर मेंटेनेंस हमारी आती 98.3 इनटू 3.6 रेज टू पावर 0.75, दैट इज इक्वेलेंट टू
98.3 × 2.61 और ये आ जाती है हमारी 256 किलो कैलोरी। जब हमारा बर्ड 3600 ग्राम का होता है, 86% उसकी पीक प्रोडक्शन होती है, तो उस समय उसके जो एनर्जी की जो मेंटेनेंस के लिए उसको एनर्जी चाहिए 256 किलो कैलोरी चाहिए। अगर यही बर्ड आपका ओवरवेट हो जाता है, मान लो ये चला जाता है 4300 ग्राम, तो आप ये देखो 4300 ग्राम का जो बर्ड है और 3600 ग्राम का जो बर्ड है उसमें 700 ग्राम का फर्क है, तो 700 ग्राम के ऊपर आपको 70 किलो कैलोरी एनर्जी में फर्क पड़ जाता है। अगर हम जो बर्ड हायर बॉडी वेट पे है और अगर उसको हम एनर्जी उसके हिसाब से नहीं देंगे, अगर उसका वजन 4200-4300 ग्राम है और उसको हम 60-70 ग्राम एनर्जी ज्यादा नहीं देंगे, तो उस बर्ड की पीक प्रोडक्शन नहीं जाएगी, वो बर्ड ना पीक देगा और ना ही वो लंबे टाइम तक अंडा देगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये देखता हूं कि यूजुअली फील्ड में 20-30% बर्ड हायर बॉडी वेट पे होते हैं जिनका वजन प्रोडक्शन के टाइम 500-600 ग्राम ज्यादा ही होता है। तो 500-600 ग्राम जिन बर्ड्स का वजन ज्यादा है, तो आप मोटा सा फार्मूला लगा के चलो कि उस बर्ड्स को 50-60 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी एग प्रोडक्शन के लिए कितने चाहिए, तो हम देखते हैं कि भी एग प्रोडक्शन है 86%, ठीक है, 32 वीक्स का हमने डाटा लिया है, और अंडे का जो वजन है वो 60.8 ग्राम है। तो एग मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग मास के लिए हम करते हैं हेंडे परसेंटेज प्रोडक्शन, एग वेट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 86% को हम 60.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आता है 52.28, ठीक है। और इसका ये फार्मूला है कि मेटाबोलाइजल एनर्जी फॉर एग मास इज इक्वल टू 2.4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एग मास, दैट इज 2.4 × 52.28। हेलो, अरे शशि भूषण जी ये माइक ऑफ कर दें ताकि लोग सुने, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ प्लीज सारे लोग माइक ऑफ कर दें प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, जो भी बीच में माइक कर रहा है ना उसको जरा म्यूट रखें। देखो प्रेजेंटेशन के बाद हाँ हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए अनम्यूट कीजिएगा। ओके सर, देखो तो प्लीज कंटिन्यू सर। इसको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी फॉर एग मास वो कितनी रहेगी, उसका ये फार्मूला है 2.4 किलो कैलोरी इनटू पर ग्राम ऑफ एग मास। तो हमारा एग मास आया है 52.28 और 52.28 को 2.4 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 125.42, इसको हम मान लेते हैं दैट इज 125 किलो कैलोरी। अगर मुर्गी 86% अंडा दे रही है, 60.8 ग्राम उसका अंडे का वजन है, तो उसके लिए मेटाबोलाइजेबल एनर्जी हमें चाहिए 125 किलो कैलोरी। अब एनर्जी ग्रोथ के लिए कितनी चाहिए, डेली ग्रोथ हो रही है, तो इसका ये फार्मूला है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी फॉर ग्रोथ इज इक्वल टू 5.6 किलो कैलोरी इनटू ग्राम पर डे गेन, जो बॉडी वेट गेन हो रहा है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है वो डेली कितनी हो रही है, जैसे 4.28 उसकी डेली, 4.28 ग्राम उसकी डेली ग्रोथ हो रही है बर्ड की, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आती है 23.96, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 24 किलो कैलोरी। अब उसके बाद आती है एनर्जी फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, जैसे वो फीड खा रहा है, पानी पी रहा है या दाएं बाएं घूम रहा फिर रहा है, उसके लिए हमने एक सिंपल सा वो किया है 20% ऑफ द एमई फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए जो उसकी एनर्जी थी वो 256 किलो कैलोरी थी और उसका ये 51.2 किलो कैलोरी हो गया, अप्रोक्सीमेटली 51 हम इसको
कंसीडर कर लेते हैं। अब टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ एन एट पीक प्रोडक्शन, देखो मेंटेनेंस के लिए चाहिए उसको 256, एग प्रोडक्शन के लिए चाहिए जो 86% है 125 किलो कैलोरी, और उसको ग्रोथ के लिए चाहिए 24 किलो कैलोरी, और एक्टिविटी के लिए चाहिए उसको 51 किलो कैलोरी। तो हमका टोटल करते हैं तो ये आती है हमारी 456 किलो कैलोरी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप मेरे को बाद में डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। अब आता है ब्रायलर ब्रीडर वैंकोप 430 फीड फॉर्मुलेशन। अब देखिए, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो विटामिन हैं, जो अवेलेबल विटामिन हैं, जो कंपनी के पास विटामिन हैं, पहले उसकी थोड़ी कंपोजिशन आप समझ लो, जिसमें बीच में ये किया हुआ है ब्रीडर, जो हमने ये वाड़ा किया है ब्रीडर 400। तो ये सारी की सारी जितनी भी कंपोजिशन है ये हमारे ब्रीडर बैंको 430 के उससे मैच कर रही है, 400 से भी उससे भी। इसके लेवल अगर हम एक किलो एक टन में डालें तो वो उसको मैच कर रहा है। अब ये अवेलेबल है ब्रीबिट 400 के नाम से। दूसरे विटामिन हैं ये है ब्रीबिट, ये प्लेन है, ये विदाउट ई भी आता है, विदाउट ई एंड सी भी आता है और विदाउट सी भी आता है। तो ये ब्रीबिट है प्रीमिक्स, ये विदाउट सी है। तो इसके अंदर कोई भी ब्रीडर भाई है उसको इस बात को समझना है कि यहां जो विटामिन ई है ये 60 ग्राम है और इसकी जरूरत है 100 ग्राम, और इसी तरह से जो बायोटीन है उसकी जो इसमें ब्रीबिट प्लेन प्रीबिट है, ब्रीबिट प्लेन है प्रीमिक्स, इसमें 0.02 ग्राम, और जो रिक्वायरमेंट है वो है 0.25 या 25% ये कम है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब भी कोई विटामिन किसी का भी यूज करें तो आप खासकर दो चीजों पे तो सबसे ज्यादा ध्यान दो, विटामिन ई पे और बायोटीन के ऊपर, क्योंकि विटामिन ई और बायोटीन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और जो बेस्ट है अवेलेबल इस टाइम मार्केट में, जो हमें यूज करना चाहिए और जो मेरे ब्रीडर भाई यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे एक्शेल क्वालिटी की प्रॉब्लम है, चिक्स क्वालिटी का प्रॉब्लम है, तो उनकी सारी की सारी इससे सॉल्व होगी। और दूसरा क्या है, जिसमें साइक्लिक प्रॉब्लम्स रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और जिसका प्रोडक्शन भी फ्लैक्चुएट करता रहता था, तो उन लोगों को हमने ब्रीबिट प्लस 3 यूज करवाया। और ब्रीबिट प्लस 3 में क्या है, हमारे पास 3 चीजें हैं एक्स्ट्रा, लेबोसिल है, फाइबोसिल है और एल्कोसिल है। तो ये जो तीनों चीजें हैं एक इम्यूनिटी बनाता है, और एक सेलिडीम का बहुत अच्छा सोर्स है, और एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपकी हैचिबिलिटी भी अच्छी रहेगी, चिक्स की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और आपको जो बार बार आप एंटीबायोटिक्स देते हैं कभी कुछ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लेबोसेल है उसके अंदर आपके कुछ नेचुरल एंटीबायोटिक्स बनाने के उसमें प्रोबायोटिक्स हैं, जो एक्टोलिन, एक्टोफिलिन, लैक्टोलिन और लैक्टोफिलिन, इस तरह के नेचुरल एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, अपने आप बी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस करेंगे, कुछ एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सिंथेसिस करेंगे, कुछ एंजाइम्स की सिंथेसिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जैसे इंटेस्टाइन में जो माइक्रोफ्लोरा होता है उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और हार्मफुल माइक्रोफ्लोरा है उसको बाहर कर देंगे, और दूसरा उसको इंटेस्टाइन पे रहने के लिए जगह भी नहीं देंगे। इसको बोलते हैं कंपिटिटिव इनहिबिशन एंड कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी के पास वो है ब्रीबिट प्लस 3, और ब्रीबिट प्लस 3 यूज करने के बाद आप इसका कॉस्ट में देखिए, आप ये देखिए आपको बेनिफिट्स कितने हैं, तो इसको आपको काफी बेनिफिट्स होंगे। तो जब कभी भी आप कोई विटामिन यूज कर रहे हैं तो आप उसकी कंपोजिशन देखें और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच जरूर करें। अब उसके बाद इसी तरह से ट्रेस मिनरल्स है,
अब ट्रेस मिनरल्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि बर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। बर्ड्स की जो मैग्नीज की रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलीग्राम पर केजी ऑफ डाइट है, जिंक की भी है 100 मिलीग्राम पर केजी, आयरन की 110, कॉपर की 20, आयोडीन की 2.5, सेलेनियम की 0.5। अब ये जो TMBB ये कंपनी के पास इनऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल है, तो इसका डोज है इसके अंदर जो है वो है 50 ग्राम पर केजी। तो इसका जो डोज है 2 किलो पर टन, अगर 2 किलो पर टन को हम यूज करेंगे तो जो बर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रिक्वायरमेंट है, 100 मिलीग्राम पर केजी मैग्नीज या जिंक या आयरन 110, वो सारी की सारी इसके 2 किलो की डोज से पूरी की पूरी कवर होती है। और इसी तरह से अभी एक और लेटेस्ट है वो है ब्रायलर ब्रीडर के लिए क्लासिक ट्रेस मिनरल, ऑर्गेनिक है ये, अगर इसको हम 1.25 किलो के करीब 1 टन में यूज करें तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल्स हैं उसके बेनिफिट सुनो। नंबर एक बात, आप इस बात को समझो, जो स्टार्टिंग के अंडे होते हैं 5-6 अंडे होते हैं, 7 अंडे होते हैं, उसमें से जो चिक्स निकलते हैं, अगर वो 52 ग्राम का भी है फिर भी जो चिक्स निकलते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज जो चिक्स हैं उसमें लेमनेस काफी रहता है, उसका परफॉर्मेंस में फर्क रहता है, उसका FCR में फर्क रहता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल अर्ली स्टेज पे यूज करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो अर्ली चिक्स क्वालिटी की है वो आपकी काफी कुछ 50% आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस बात को आपको समझना है। इससे पहले आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो, बहुत सारे ब्रीडर हैं वो मेरे से कहेंगे कि आप तो ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल के अगेंस्ट थे। अब आप इस बात को ध्यान से समझो भैया, मैं ट्रेस मिनरल इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं जो आप मिसमैच करते हैं। कुछ आपने ट्रेस मिनरल इनऑर्गेनिक कर लिया, कुछ ऑर्गेनिक डाल लिया, उसका सारा का सारा रेशियो चेंज हो जाता है और रेशियो चेंज होने के साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो आप कभी भी दो सोर्सेज यूज ना करें उसके साथ, अगर आप यूज करें तो आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आपको यूज करना है तो एक टाइम में ट्रेस मिनरल या तो आप इनऑर्गेनिक यूज किए या फिर आप ऑर्गेनिक यूज कीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन कभी भी आप मिक्सिंग ना कीजिए, जहां जहां ये मिक्सिंग हुई थी वहां वहां मैंने ये देखा जैसे जैसे बर्ड प्रोडक्शन पे आया तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेगी, और उस प्रॉब्लम्स में कैल्शियम टिटेनी भी एक पार्ट था। तो जब स्टडी किया गया तब हमने ये फैक्टर भी निकाला और लोगों को हमने समझाया कि भैया आप इस तरह का काम ना करें, और बहुत सारे लोग ऐसा करते थे और धीरे धीरे जिन जिनको बात समझ में आई उन्होंने इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया। अब 430 के लिए जो फीड फार्मुलेशन हैं वो हमने बनाया है, ठीक है, इसके लिए 0 से 6 वीक, 7 से 12, 13 वीक से फोटो स्टिमुलेशन। फोटो स्टिमुलेशन को हमने क्यों लिया है, भाई आपकी प्रोडक्शन गर्मी में आ रही है, सर्दी में आ रही है, आप 20 वीक पे लाइट दे रहे हो या 21 वीक पे दे रहे हो, उस हिसाब से। फिर प्री ब्रीडर वो फोटो स्टिमुलेशन 2-5% एंडे प्रोडक्शन, ब्रीडर 1, ब्रीडर 2, ब्रीडर 3, और फिर ये मेल का फार्मूला है। तो ये सारे के सारे फार्मुलेशन हैं, इसके अंदर हमने लाइसिन के लेवल कम किए हैं, मिथियोनिन के लेवल कम किए हैं, और जो ब्रीबिट +3 की रिकमेंडेशन की है कि अगर आप +3 यूज करेंगे तो यह बहुत बेनिफिशियल है 1 किलो 1 टन में। और उसके अलावा ऑयल यूज करने के लिए रिकमेंड किया है कि आप ब्रीडर 1 में 10 किलो, ब्रीडर 2 में 11 किलो, ब्रीडर 3 में 14 किलो। ये क्यों किया है, क्योंकि पहले जो बर्ड्स की हमारी रिकमेंडेशन थी वो थी 250 किलो कैलोरी, ठीक है, पर केजी ऑफ फीड, ठीक है, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट्स है 430 की रिक्वायरमेंट थोड़ी हायर साइड पे है, और वो हमने फील्ड में देखा तो हमें समझ में आया कि इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये आगे है। आप इसको देखिए, इसमें क्या है, जो ब्रीडर वन है आप इसमें देखिए, जो ब्रीडर वन है यहां जो इसकी रिक्वायरमेंट है 430 की वो 2800 किलो कैलोरी, ब्रीडर 2 की 2815 और ब्रीडर 3 की 2830।
और इसी तरह थोड़ा मेल के भी एनर्जी थोड़ा बढ़ा के 2750, मेल तो सेम है, तो एक तो ये एनर्जी का हमने इंक्रीज किया है, इसका 2700 की बजाय 2800 पे लेके गए हैं। और दूसरा जो इसका लाइसिन की रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइसिन की रिक्वायरमेंट्स ब्रीडर वन में जो पहले 0.8 होती थी उसके बजाय हमने किया 0.58, और ब्रीडर टू में जो रिक्वायरमेंट्स उसकी 0.77 होती थी उसको हमने 430 के लिए किया है 0.58, और ब्रीडर थ्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स पहले हमने रिकमेंड की थी वो 430 के लिए 0.58, और को 400 के लिए वो एस एच पहले वाली रहेगी। इसी तरह से मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट्स है, ब्रीडर वन में जो पहले रिकमेंडेशन थी वो 0.4 थी, अब 0.4 की बजाय हमने कर दिया 0.26, ब्रीडर टू में पहले 0.36 था अब हमने कर दिया 0.26, और ब्रीडर थ्री में मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट 0.26, पहले था ये 0.36, और इसी तरह से जो मेल बर्ड्स के लिए भी मिथियोनिन की रिक्वायरमेंट 0.38 से 0.26, और इसी तरह से लाइसिन की रिक्वायरमेंट पहले 0.75 था अब ये कर दिया 0.58। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो हमने ये कुछ एक जगह करके देखा और उसके बाद हमें कैसे रिजल्ट आए वो मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। अब ये हमने केस स्टडी किया जिसमें हमने 430 पे एनर्जी लेवल्स 2815 किलो कैलोरी दिया, ये जो मैंने फीड फार्मूलेशंस दिए हैं इसी फीड फार्मूलेशन पे हमने रखा 1815 से 1830 तक। अब इसमें कंपैरिजन है दो फ्लॉक्स का, जिस फार्मर ने 430 एक डाला था उसने 25 जुलाई 2018 को, उसमें देखो उसका आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वो है, देखो पहले उसका जो 25 जुलाई को फ्लोक था उसमें जो एनर्जी जा रही थी वो जा रही थी 2700 किलो कैलोरी, 430 था, और अब हमने इसको दिया जो उसका 25 अप्रैल 2019 को बर्ड डाला जिसका हैच डेट था, उसको एनर्जी दिया 2818 2815 ब्रीडर वन में। तो अब आप ये देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जिसको हमने एनर्जी लेवल ज्यादा दिए उसमें एक मुर्गी ने जो अंडा दिया 24 से 48 वीक, क्योंकि हमने 48 वीक तक इसको कंपेयर किया है, इसने दिया 118.7, 119 के करीब, और स्टैंडर्ड कितना है 120, तो इसने स्टैंडर्ड से एक अंडा कम दिया। और अगर मैंने एनर्जी जब दी थी 2700 तो उसमें कितना फर्क है 109.7, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो कितने अंडे का फर्क आ गया, 9 अंडों का फर्क आ गया, और स्टैंडर्ड से इसका जो डिफरेंस है वो 11 अंडे का है। तो इसलिए ये जरूरी था। और एक और ऑब्जर्वेशन थी फील्ड में, कभी भी 430 को जब भी बर्ड लेइंग पे है और आपने उसका पोस्टमार्टम किया तो आपको कभी भी उसमें एनर्जी, उसमें कभी फैट ही नजर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या था कि उसकी एनर्जी की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, वो जो खाता था वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता था और उसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी सरप्लस नहीं होता था। और एनर्जी क्या है, थोड़ा रिजर्व में होना जरूरी है, ठीक है, ताकि पीक प्रोडक्शन चलती रहे, उसकी प्रोडक्शन अच्छी चलती रहे, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड 2815 किलो कैलोरी पे रखा उसमें हैचिंग एग्स ये है 110 के करीब, स्टैंडर्ड 115, और आप ये देखो जो 2700 किलो एनर्जी थी उस पे जो उसका हैचिंग एग्स है वो 102, 8 अंडे कम आए अभी, 8 हैचिंग एग्स कम आए इस बात से। अब पीक प्रोडक्शन पे जाएं, अब पीक प्रोडक्शन इसका रहा 80% से ज्यादा 3 सप्ताह रहा, और आप यहां देखिए 2700 किलो कैलोरी थी तो उसका 80% गया ही नहीं, ठीक है। पीक प्रोडक्शन कितना रहा इसका, 81.3% रहा 2815 किलो कैलोरी पे, और इस पे रहा 79.1 सर किलो इंटरप्शन हुआ कैलोरी है, थोड़ा सा दोबारा से सेवेंटी करेंगे नाइन सर। पॉइंट 1%। अब इसी तरह से एक स्टडी और है, ये स्क्रीन गया डॉक्टर साहब का किसका? हाँ सर, प्रवीण, आप प्रवीण जी ने प्रेजेंट किया है, एक
प्रवीण जी तरह से आप वो कर दें। राइट सर, हाँ आ गया सर, ओके सर। अभी मैं इसको रिपीट करूं क्या, इसको रिपीट करूं? देखो मैं इसको रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर 4:30 को 100-125 किलो एनर्जी ज्यादा जाएगी तो आप ये देखो उसके जो अंडे हैं 24-48 वीक पे 9 अंडों का फर्क है और 8 हैचिंग एग का फर्क है, और जो पीक प्रोडक्शन है 80% से ज्यादा 3 सप्ताह रही है और 2700 किलो कैलोरी पे उसका पीक गया ही नहीं। और पीक प्रोडक्शन कितना रहा 2815 किलो कैलोरी पे 81.3%, और जबकि 2700 किलो कैलोरी पे है 79.1%। अब अगला फ्लोक और देखिए आप, ये से एक ही फ्लोक है और ये डला है 8 नवंबर 2019 को, दो शेड्स में है, ठीक है। एक शेड में बर्ड डाले गए 4034 और दूसरे में 5430, ठीक है। अब आप इसको आगे देखो, 24 से 39 वीक तक देखिए इसमें, तो इसमें एक मुर्गी से जो अंडा आया वो आया जिसकी एनर्जी हमने दी थी 2815, उसमें हमारे अंडे आ रहे हैं 66.63 अगेंस्ट स्टैंडर्ड कितना 68, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 1.37 के करीब डिफरेंस है स्टैंडर्ड से डेविएशन, और जिसकी एनर्जी 2700 थी उसमें डिफरेंस कितना 3.8, 4 अंडों के करीब कम है, उसमें 64 अंडे है और स्टैंडर्ड है उसका चलो अभी आप इसको फिर ध्यान से सुनिए। जिस बर्ड्स को दो शेड्स में बर्ड हैं, ठीक है, हमने 8 नवंबर 2019 को बर्ड डाले, एक शेड में 4034, एक में 5430, एनर्जी दी गई इसको 2815, तो इसमें जो आप देखो इसमें स्टैंडर्ड है 24 से 39 वीक का एक मुर्गी अंडे 74 और इसने दिए कितने 73.22, सिर्फ गैप कितना रहेगा 1.7 के करीब, और दूसरे शेड में उसकी शिफ्टिंग लेट हुई थी इस वजह से उसमें उसमें जो अंडे आए हैं 71.15 अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 74। अब हैचिंग एग्स लें तो हैचिंग एग्स इस एनर्जी से मिले 66.6 अगेंस्ट स्टैंडर्ड 68, डिफरेंस कितने 3.4, 3.5 अंडे के करीब, और दूसरे शेड में हेलो शशि जी। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही। ये प्रवीण को बोलो, इन्होंने डॉक्टर रेला को म्यूट कर दिया है, इसको बोलो ही शुड स्टॉप ऑल दिस। यार ये कौन है? प्रवीण माठा। ओके हाँ प्रवीण प्लीज जरा था बोलिए सर। डॉक्टर साहब थोड़ा रिपीट कीजिएगा, आपको म्यूट कर दिया था। चलो चलो अब सुन रहे हैं आप, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यार ये आवाज है, अनम्यूट कर दिया। देखो दो शेड्स में है, तो जिसको हमने एनर्जी दी है 2815, एक शेड में 80% से ऊपर 8 सप्ताह रहा, दूसरे शेड में 5 सप्ताह रहा क्योंकि दूसरे शेड की शिफ्टिंग लेट हुई थी, और पीक प्रोडक्शन कितना रहा, एक शेड में रहा 84.2% और दूसरे में रहा 83.2%। अब सभी फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को अच्छे से समझें
और अगर आप 100-150 किलो कैलोरी एनर्जी 4:30 को हायर साइड्स पे देंगे तो आपके प्रोडक्शंस में 100% फर्क रहेगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, वो ध्यान देना है, जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो इन बातों पे देना है कि जो बर्ड की यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी कौन सी, स्ट्रक्चरल एंड बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी, वो आपके बर्ड की 85% से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए 20 वीक के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड पीक पीक प्रोडक्शन पे जाए और लंबे टाइम तक वो 80% से ज्यादा प्रोडक्शन दे। अब इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। कभी भी लेयर या ब्रीडर राशन में कभी भी कोक्सीडियो सीडल ड्रग्स यूज नहीं करते, जैसे आइनोफोर्स हैं, जैसे कोई यूज करता है मधुरामाइसिन, कोई करता है सेलिनोमाइसिन, कोई करता है सीएमपी। आप इस चीज को यूज ना करें। अगर आप लोग ब्रूडिंग डाइट में यूज करेंगे तो आपके बर्ड्स में थ्रू आउट लाइफ एंट्राइटिस बनी रहेगी, क्रोनिक कोक्सी रहेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी और उसकी वजह से कभी बर्ड पीक प्रोडक्शन नहीं लेगा। और आप ट्रीटमेंट करेंगे 5-7 दिन ठीक रहेगा, फिर दोबारा एंट्राइटिस। जब भी बर्ड खोलोगे आपके बर्ड से एंट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ब्रूडर राशन के अंदर कोक्सीसीडल ड्रग्स यूज ना करें। और आप किसी भी कंपनी से फीड यूज कर रहे हैं तो आप उससे पूछें कि आपने कोक्सी के अगेंस्ट क्या दवाई डाल रखी है। अगर मार्केट में डोट अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे कह दिए आप कुछ भी ना डालें, लेकिन आप कोई भी कोक्सीसीडल ड्रग्स जैसे मधुरामाइसिन है, सेलिनोमाइसिन है या सीएमपी है, वो यूज ना करें। दूसरी बात जरूरी ये है कि 24 से 28 दिन चाहे आपके बर्ड केज में है तो भी आपको कोक्सीडियोसिस का प्रिवेंशन का प्रोग्राम, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एम्प्रोलियम प्लस सल्फाक्यूनोक्सालीन कॉम्बिनेशन, वेनकोक्स के नाम से आता है, 1 ग्राम 2 लीटर में आप 5 दिन यूज कीजिए 24 घंटे पानी के लिए। और जब भी आप कोक्सी का ट्रीटमेंट करें तो उसको आप 5 दिन के लिए 8-10 ग्राम फीड ज्यादा करके दें, थोड़ा फीड को डाइल्यूट कर रहे हैं लेकिन ज्यादा करके दें, और 2 टाइम फीड दें ताकि वो आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहे। तीसरी बात यह है, इस बात को समझना जरूरी है कि अगर टेम्परेचर हाई है, अपने देश में तो जैसे ये चला जाता है 48 तक, लेकिन अगर 32 डिग्री है ये भी टॉलरेबल है, अगर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है तो बर्ड टॉलरेट करेगा। लेकिन अगर यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है, 80% है, 70%, 70 से जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो देखो जो पहला सिचुएशन है, जो हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी, ये हमारी अप्रैल मई और जून में रहती है, और उसके बाद जुलाई और अगस्त, उसमें हमारे यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर चाहे कम हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती है। अब भी आप देखते होंगे कि जो ये जो पीरियड पर चल रहा है इसमें बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, और इसमें जो फैन की स्पीड है, एग्जॉस्ट फैन की स्पीड है, वो आपकी 400 के करीब होनी चाहिए। और जब आप एनीमोमीटर से देखते हैं, शेडो में जा जाके देखते हैं, आप खुद नोट करोगे तो आपके लेवल 200, 250, 300 के करीब रहेंगे, लेकिन ऐसे में इसको 400, 450 के करीब स्पीड चाहिए। उसके बाद ये जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे कितनी देर में फीड बर्ड खत्म करता है इस बात पे ध्यान दें। अगर ये आपका आधे पौने घंटा से ज्यादा डेविएशन है, मतलब जैसे आप फीड डालते हो 5 बजे, ये खत्म हो जाता है 7:30 बजे, और फिर आप ये देखते हो कि ये फीड बढ़ता बढ़ता 8:30 पे चला गया, तो आप ध्यान से देखें क्या कारण है, और इमीडिएटली जब भी ऐसे हो तो आप बॉडी वेट चेक कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके बर्ड में। तो इसलिए ये जरूरी है, अगर आप अपने मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, लेबर को ये गाइड करेंगे कि भाई ये नोट करो फीड कितनी देर में खत्म किया और डेली का रिकॉर्ड रखो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर जैसे आपका बर्ड प्रोडक्शन पे है, पीक प्रोडक्शन चल रही है, तो आप ये देखते हो 2-3 सप्ताह के बाद प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, तो आप इस बात को ध्यान से समझो ये क्यों हो जाती है। इसका बेसिक रीजन ये है
कि उस टाइम बर्ड को जो एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी आपने नहीं दी। तो इसके लिए हम चैलेंज फीड भी करते हैं और फीड को थोड़ा हम एनर्जी को हायर साइड पे भी देते हैं। इस बात को भी समझना जरूरी है। एक जरूरी बात यह है, प्री ब्रीडर डाइट में कैल्शियम 1.2% से ज्यादा ना दे। हमारे अपने लिटरेचर में भी ये 1.75 के करीब किया है, तो आप उसको करेक्ट करके इसको 1.2% से ही कम रखें। अगर ये आप इससे ज्यादा रखेंगे तो जैसे आपके बर्ड प्रोडक्शन पे आएंगे तो कैल्शियम टिटेनी के साथ के कारण आपके बर्ड्स में मोर्टेलिटी होगी, अंडे कच्चे आएंगे, ये दोनों चीजें आपके यहाँ चलेगी। और एक चीज और जरूरी है कि आपके बर्ड यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर 85% से कम यूनिफॉर्मिटी है तो आपको चाहिए मार्बल चिप्स, सिर्फ उसी बर्ड को देंगे जो बर्ड आपका अंडे दे रहा है। और अगर आपने कैल्शियम हायर साइड पे दे दिया, मार्बल चिप्स उस बर्ड को दे दिया जो बर्ड अंडे पे नहीं है, तो आपके बर्ड में मोर्टेलिटी रहेगी। और ये मोर्टेलिटी कब तक चलेगी? जब तक बर्ड पीक प्रोडक्शन नहीं लेगा। और जो सबसे जरूरी बात थी वो मैंने सबसे पहले बताई है कि बर्ड की यूनिफॉर्मिटी पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। वो यूनिफॉर्मिटी आप 20 वीक के ऊपर किसी भी तरीके से आपकी 85% हो। और वो यूनिफॉर्मिटी सिर्फ बॉडी वेट की नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी भी और बॉडी वेट की भी यूनिफॉर्म, मतलब उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो फ्रेम का साइज है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो दोनों स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मिटी एंड बॉडी वेट यूनिफॉर्मिटी, दैट शुड बी 85%। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही ग्रेडिंग पे, बॉडी वेट पे और उस पे एफर्ट्स ज्यादा डालें। ब्रूडिंग टाइम से जितना जल्दी से आप ये काम करेंगे उतना इफेक्टिव है। और जो आपको बर्ड्स को फीड कम ज्यादा करना है वो सिर्फ 11 वीक से 15 वीक तक करना है। 11 वीक से 15 वीक तक ही आपकी विंडो बनती है। अगर आप उससे पहले करते हैं तो प्रॉब्लम है, और 15 वीक के बाद अगर आपने किया तो आपके बर्ड, जो बर्ड हायर बॉडी वेट पे हैं, उसको अगर आपने फीड कम दिया या एनर्जी कम दिया तो उससे क्या होगा कि वो बर्ड आपको प्रॉपर प्रोडक्शन पे नहीं आएंगे। अगर आपने मैनेजमेंट की चीजें ठीक से समझ ली तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं बिल्कुल 100% आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप 430 से बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेंगे। और मेरे भाई, कुछ एक भाइयों ने जो ली है, ये डाटा उन्हीं लोगों का है, वो भी शेयर कर सकते हैं। किसी भाई को कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके बर्ड में टाइम से प्रॉपर वैक्सीन लगी है, वैक्सीन में सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एनडी का है, और अब जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो आईबी का है। तो एनडी और आईबी का अगर आपने प्रॉपरली बर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है, पीक गर्मी और पीक सर्दी में हमारी रिकमेंडेशन है 8 वीक की। लेकिन जो एरिया जींद और सफेदों का एरिया है, पानीपत का एरिया है, जहां बहुत ज्यादा पोल्ट्री है, वहां जो रिकमेंडेशन है, अगर आप 6 6 7 7 वीक पे करेंगे, जब बर्ड आपका प्रोडक्शन पे, खासकर पीक प्रोडक्शन पे, तो आपको एनडी और आईबी की बीमारी से आपके बर्ड बचे रहेंगे। तो ये बातें सबसे ज्यादा समझने की है। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, और मैं आप लोगों के प्रति आभार हूं। थैंक यू वेरी मच।